आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते प्रभाकर नमोस्तुते प्रभाकर नमोस्तुते। क्या बात है बहन, यहाँ खड़ी हो? कहीं जाना है क्या? अगर 5,000 रुपया देंगे तो आज रात मैं आपके साथ चलूंगी। बहुत जरूरी काम है मुझे। क्या जरूरी है ये मत पूछिएगा। आप एक मर्द हैं और मैं एक औरत हूँ। मुझे पैसे चाहिए बस इतना ही। पहले इस अंधेरे भ्रम से बाहर आओ। गेट इन, कम ऑन। आपको देखा तो अच्छे संस्कार परिवार की लग रही हो, पर हालात की वजह से यहाँ आई हो ऐसा लग रहा है। आपको पूछते ही आपकी क्या परिस्थिति है ये पता चल गया। साथ में एक बेटा भी है। ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। आप अपनी जिंदगी में दुख उठाकर ही यहाँ पे इस हालात में आके खड़ी हुई हो, ये मैं समझ पा रहा हूँ। किसी परिस्थिति की वजह से मैं भी अकेला पड़ गया हूँ। आप गलत मत समझिएगा, आपके बेटे का मैं सहारा बनूंगा, उसे पूरा सपोर्ट करूंगा, मैं आपका साथ दूंगा। मुझ पर विश्वास कीजिए प्लीज। इस तूफान भरी रात में अकेले कहाँ जाएंगी आप? अक्सर हर एक मर्द एक औरत का भरोसा जीतने के लिए यही डायलॉग बोलता है, मुझे पता है। हाथ छोड़िए मेरा। अरे मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ, प्लीज विश्वास कीजिए। Hey!
तेलुगु राज्य में अगर कोई भी औरत किसी भी तकलीफ में हुई तो मेरे जैसा एक हीरो होना ही चाहिए। अरे ये कौन है रे? इतना शक्चिली मार रही है। ये तुम्हारा नया हीरो है। कभी अगर लड़की खतरे में होती है तो उसे बचाने के लिए कोई लोग भाई के रूप में आता है। वैसे अभी हीरो गुंडे को क्यों मार रहा है? वैसे इस सीन में क्या हो रहा है? आइए एक बार देखते हैं। बचा लीजिए अंकल, अंकल प्लीज सुनिए तो अंकल, अंकल अंकल, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे बहुत अलग नजर से देख रहे हैं, प्लीज मुझे बचा लीजिए अंकल, वो लोग आ रहे हैं, अंकल प्लीज बचाइए ना, वो आ रहे हैं। क्या बात है? लगता है कुछ तो झगड़ा है। हाँ Yes!
मुझे बचाने के लिए बहुत थैंक्स अंकल। हर मर्द की नजर में माँ हो या बहन, सब तुम ही हो बेटा। अगर तुम लोग अच्छे हो तो संसार अच्छा रहेगा। आगे से यहाँ कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। अभी हैप्पी रहो बहन। सच में अंकल? मेरे हाथ में इतना पावर है बहन, आगे से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। बहन हाँ? एक बार इधर आओ। ये लो, अच्छे कपड़े खरीद लो। बहुत थैंक्स अंकल। अरे कैसा काम कर दिया तुमने, देवी माँ को अर्पित करने वाली साड़ी इस लड़की को पहना दिया। इसमें गलत क्या है पंडित जी, अंदर देवी माँ भी एक औरत है और वो लड़की भी एक देवी का रूप है ना। अभी हमने जो काम किया है उसे देखकर भगवान खुश हो जाएंगे। आज आपको पूजा की जरूरत नहीं है। कुछ भी करो तुम। हेलो हेलो हेलो, हाय सेक्सी मैन। सेक्सी हूँ मैं इसे सेक्सी कैसे दिख सकता हूँ? दिख रहा हूँ क्या? शायद दिख भी सकता हूँ। अरे तुम ये क्या कर रही हो? अरे तू कुछ पागल लड़की है क्या? इसे जाकर सेक्सी क्यों बोल रही है? अरे तुम क्या कर रही है, ये ट्रिक्स है। इतना सेक्सी लड़का मैंने आज तक नहीं देखा, तू देख ना। उसकी हिम्मत को ही मैं सेक्सी बोल रही हूँ, इसलिए मैंने बोला। ओहो ठीक है। हे हे सेक्सी मैन। चले क्या पंडित जी? जरा इधर तो आइए। क्या हुआ, क्या बात है बेटी? आपको उनका एड्रेस और फोन नंबर पता है क्या? उसका क्यों नहीं पता, फेमस फोटोग्राफर सूर्य नारायण का बेटा है। एड्रेस पता है पागल लड़की। यस चलो चलते हैं। अप चिन अप, लेफ्ट, थोड़ा राइट, स्माइल स्माइल, दैट्स इट। हाय फ्रेंड। हाय फ्रेंड, जिस काम से गया था उसका क्या हुआ? नहीं हुआ फ्रेंड। क्यों? अरे मैं मंदिर तो गया था, लेकिन वहाँ देवी माँ को अर्पित करने वाली साड़ी एक बेचारी गरीब लड़की को दे दी। गुड, ठीक किया। मानव की सेवा ही माधव की सेवा होती है। तुम्हारे अंदर अच्छी बात क्या है जानते हो क्या? सब लोग अच्छे से रहें ऐसा सोचने वाला तुम्हारा दिल है। अब जो तुम काम कर रहे हो समाज के लिए मददगार होना चाहिए, मेरी ख्वाहिश ये थी। तुम्हारी भी हो तो अच्छा होगा। अगर इसने किसी की मदद की होगी तो उसमें कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी। सेक्सी जैसा किसी को देखकर हिल गए हो क्या? मैं किसी को देखकर नहीं हिला हूँ। सबके ऊपर नजर रखना बड़ी बात नहीं है, मेरे ऊपर भी जरा नजर रखो। वो फ्रेश होके आ जाएगा, फॉलो मी। अरे जो मुर्दा लाश है उसको भी जिंदा तजुर्बा दिखाने जैसा एक अद्भुत गीता है इस फोटोग्राफ में। ऐसी गीता सिर्फ पैसों के लिए नाम के लिए नहीं होती, मानव रिश्ते और संबंधों के याद दिलाने के लिए होती है। इतिहास सिखाकर सोसाइटी को मार्ग दिखाने के लिए होती है। मेरी फोटोग्राफर से मीटिंग है, बात करके आता हूँ। अरे तुम्हारे पिताजी को सूर्य नारायण बोलकर नाम किसने रखा? ऊपर उस सूरज को नीचे इस सूरज के साथ, सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। हेलो, ये बात मेरे फ्रेंड से जाकर पूछो ना। अरे मुर्दा लाश को जिंदगी देने की बात करता है, लेकिन जिसमें जान है उन पर कुछ लोग प्यार नहीं दिखाते। ए क्या बात है? अरे तुम दोनों के झगड़े में मुझे मत घसीटो, अगर कुछ है तो डायरेक्टली बोल दो ना। अरे मैं इससे कितना प्यार करती हूँ देखो। मैडम फोटो किसकी देख रही हो?
वो काव्या की फोटो है, मैंने नहीं निकाली, इसकी फोटो की वजह से ही शादी तय हुई। तो फिर तुम्हारे मन में जो फोटो छपा है वो ही दिखा दो। बोलने का दिल तो करता है पर उसके लिए आपकी सपोर्ट की जरूरत है। वो फोटो है और ये जिंदगी, कुछ भी हो सबका समय और संदर्भ आना चाहिए। हमने एक बार टेंडर बनाया, फेल नहीं होना चाहिए। ओके सर। तुम लोगों की सैलरी बढ़ाता हूँ ना, फेल नाम का शब्द मेरे सामने मत बोलना सर। जब से मुझे जानकारी है तब से किसी भी बात में मैं फेल नहीं हुआ। ठीक है सर। हाय डैडी। क्या हुआ बेटी, आज बहुत खुश दिख रही हो। हाँ डैडी, आज आपकी बेटी किसी के प्यार में पड़ गई है। कौन है वो बेटी, बड़ा हो या आखिर छोटा हो, पैसा वाला हो या ना हो, सुंदर हो या ना हो, तुम्हें पसंद आने की वजह से उससे मैं शादी करवाता हूँ। ठीक है बेटी, कब उसे लेकर आ रही हो? वो किधर है, कैसा है, कहाँ रहता है, ये सब कुछ मैं नहीं जानती हूँ। आपसे कैसे मुलाकात करवा सकती हूँ? उसे देखते ही मैं उसके प्यार में गिर गई हूँ। इतना सुंदर भी नहीं है लेकिन उसने जो काम किया है ना, उस वजह से उसका स्टाइल, उसकी मर्दानगी, उसकी इंसानियत को देखकर मैं अपना दिल खो बैठी पिताजी। ही इज अ जेंटलमैन एंड वेरी वेरी सेक्सी मैन। वो सेक्सी मैन है? सेक्सी मैन कहा? सेक्सी मैन, सेक्स और सेक्सी मैन में फर्क होता है पागल लड़की। यू आर राइट बेबी, सेक्सी बोले तो प्रोक्रिएशन, एक भगवान है, एक जेंडर है और एक अट्रैक्शन है, उसने तेरा दिल चुरा लिया है, बस इतना ही ना। बुजुर्गों ने एक कहावत बोला है, ब्रिटिश के लोग हमारे देश में आकर कुछ वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दिया है। बुजुर्ग लोग तेलुगु भाषा को भूलकर यस नो ओके ऐसे शब्द बोलते हैं। एनी हाउ, तुम्हें प्यार हो गया है ये मेरी समझ में आ गया, इसमें तुम्हें सक्सेस होना है, दिल से मैं प्रार्थना करता हूँ। गो अहेड माय बेबी। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। ला 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 ला। Thank you, Daddy. Love you. Thank you. हाँ, मालूम है मेरे को। अरे वो आदमी कब आने वाला है? वो कब आएगा मालूम नहीं। सीता अप्पा यही है क्या? हाँ हाँ, इधर आओ, क्या बात है, क्या काम है भाई? उनसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? मिलना है भाई। हाँ ए, उधर क्या मीटिंग चल रही है, क्या डिस्कशन कर रहे हो उधर? कौन है रे वो, उसको ऊपर लेके आ। ठीक है भाई, चलो अंदर चल रहे हैं। भाई मुझे छोड़ दीजिए भाई, मैं आपके पैर पड़ती हूँ भाई, प्लीज भाई, प्लीज भाई, प्लीज छोड़ दो पिताजी, पिताजी। मालिक, बहुत प्यार से मैंने इस लड़की को पाला है, इसकी अच्छे से शादी हो यही हमारी उम्मीद है। मालिक हम बहुत मजबूर आदमी हैं, मालिक हम हाथ जोड़ते छोड़ दीजिए इसे, मालिक इसकी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। अरे मैं बर्बाद नहीं कर रहा हूँ रे, तेरी बेटी को जिंदगी जीना सिखा रहा हूँ, मेरी उम्र होती जा रही है लेकिन ये अभी तक जवानी की उम्र में है, हाँ? इससे तो मेरा सिर्फ शादी करने का जी चाहता है। अरे ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा फ्रेश है, इसका तो लाखों 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 रुपया मिलेगा। चल लेके जा इसको। भाई भाई प्लीज, मैं आपकी बहन जैसी हूँ भाई, प्लीज छोड़ दो भाई, प्लीज। अब इसकी जिंदगी शुरू होने वाली है, अभी तुम खाली पैर पे पैर डाल के आराम करो ना। अभी जब तक तुम्हारी बेटी जिएगी तब तक एटीएम मशीन का काम करेगी, ओके ना? नहीं मालिक, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी कीजिए लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा मालिक। अबे तू कोई मस्त फिगर वाली लड़की थोड़ी है, ए, इसको लेके जा अपने अड्डे पे।
तू मेरे बारे में कुछ जानता नहीं है। कोरोना आ गया तो इंसान जी भी सकता है, लेकिन मैं जिंदगी में आ गया तो जिंदा नहीं बचेगा। मेरी बेटी को छोड़ दीजिए मालिक। हाँ नागो बोल, क्या बात है भाई? मंदिर के पास उस लड़की को बचाकर कोई तो हमें कुत्ते की तरह मार मारा है। वो आदमी बहुत सेक्सी मारता है भाई। सेक्सा? सेक्सी नहीं भाई, सेक्सी मारता है भाई। सेवा करना छोड़ के चक्कू से बेकार की मौत क्यों मर रहे हो? अपना चमत्कार दिखाओ माँ। कौन हो तुम बेटी? I'm Manisha sir। आपके बारे में जानकर ही आपसे मिलने के लिए आई हूँ। Are you interested in fashion photography? Yes sir। अभी-अभी इसमें थोड़ा इंटरेस्ट हुआ है। Okay। तो मेरे को ज्वाइन करना है तो कुछ कंडीशंस हैं। तुम्हारे लिए ओके है ना? ओके सर। By the way, he is my son, but I treat him like my friend. जब मैं busy रहता हूँ तो मेरा काम यही देखता है। ठीक वैसा ही। आज सुबह morning temple में आपके बेटे ने जो fight किया था, उसे देखकर ही मैंने फिर पंडित जी से पूछा। Fashion photographer सूर्य नारायण का बेटा है, ऐसा उन्होंने बताया। ऐसा सुनकर वो interest और भी बढ़ गया। Hi sir. Hi. Hello. इसकी तो nice to meet you. हाँ मुझे याद आ गया, she is very interesting person। इसने मुझे sexy नाम दिया था। आप यहाँ join करने आई हो क्या? हाँ जी। Best of luck beauty। Beauty? अरे ऐसे क्यों बोल रहा है? एक तो इसकी beauty मेरे दिल में छप गई, इतनी दूर आ गई हूँ। Yes, फिर मैं तुझे totally अपना बना लूँगी, entire my life। पूजा, she is new entry, take care of her। ठीक है अंकल। निवास, याद रखना एक international competition आने जा रहा है, उस पे तुम्हें विशेष ध्यान देना। हेलो मैडम जी, यहाँ सब कुछ संभालती हूँ मैं, आप मुझे बस फॉलो करो, ओवरटेक करने की कोशिश मत करना। रामेश्वर मंदिर गया तो शनीश्वरम रुकावट बन के आ जाते हैं। ऐसा साले, ये कितना भी कोशिश कर ले मैं मेरे मुकाम तक पहुँच जाऊंगी। मनीषा नाम है मेरा, अभी दिखाती हूँ। अब आप जा सकती हैं। ओके बाय। ये देख मिक्की माउस। सुनिए जी। अनाथ आश्रम जाने की बात बोले थे ना, आप भी आ रहे हो क्या? नहीं सरस्वती, मुझे बहुत काम है, नहीं आ सकता, तुम जाके आओ। फिर डोनेशन देने का क्या? अरे वो तो मैंने कल ही भेज दिया था सरस्वती। आप कितने अच्छे इंसान हो, जितना भी आप पैसा कमाते हो उसमें से कुछ हिस्सा भलाई के काम के लिए खर्च करते हो। यह पुण्य बेकार नहीं जाएगा, हमारे बच्चों को मिलेगा, है ना? वही सरस्वती, एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो उसे दूसरा गाल भी दिखाओ। क्या नाम है, किसने बोला था? आप सिर्फ अच्छा सोचते हो लेकिन आपको कुछ पता नहीं चल रहा, उनका नाम गांधी है। अरे वही ना, कितने महापुरुष है, किसको किसको याद रखूं? और वैसे भी मैं बहुत थक गया हूं। तुम जाकर आओ ना मंदिर, बच्चों का ध्यान रखना, आजकल शहर में किडनैपिंग बहुत हो रही है। ठीक है जी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। वैसे आप दिल के ऊपर कुछ तो सर्जरी कराने की बात किए थे ना? अरे वही बात है ना बाबा, ये सर पे मेरे जो खरोंच है वो हमारे जितने भी बड़े बड़े देवता जैसा ही दिखता है। शिव जी के माथे पे 3 उंगली का तिलक, महाविष्णु जी का सीधा तिलक, अब मुझे थोड़ा सा टेढ़ा तिलक मिला है। तुम जाके आओ ना बाबा।
आप अपने सामने वाले की तकलीफ समझ के लेते हो, लेकिन आप अपनी तकलीफ समझ में नहीं लेते। आप कभी बदलने वाले हो या नहीं वो भी नहीं पता। बाय बच्चा, बाय। बाय डैडी। बाय बाय बच्चों। बाय बाय मेरा सोना। मैं बदल जाऊंगा तो लोग कैसे जिएंगे? वो पंचाकुटा वाली लड़की का क्या हुआ? मैं ऑलरेडी उठा कर लाया हूँ भाई। उठा के लाया है कि घसीट के लाया है? हेलो पूजा, थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट। निशा राइट, प्लीज राइट। ए, कितनी बार बोलना पड़ेगा? फैन को ऊपर उठा। ए, फैन को राइट में करना। सर क्या हुआ? सर बहुत पेन हो रहा है, कुछ हार्ट में। एक निवास का फोन लगाओ। ये हाथ को थोड़ा नीचे करो। हाँ राइट राइट। हेलो। हेलो सर, लगता है आपके फ्रेंड को हार्ट अटैक आया है। हाँ, क्या हुआ बताओ। हाँ सर, स्पीकर ऑन करें। यस सर, मैं स्पीकर ऑन करती हूँ सर, बात कीजिए। हाँ बोलिए सर। तुम चिंता मत करो, डैशबोर्ड में मेडिसिन है, मेडिसिन देके पानी पिला दो। मेडिसिन यहाँ तो बहुत सारे मेडिसिन है। ठीक है। अच्छा आप लोग हैं कहाँ? आपके लोकेशन के करीब ही है सर। कौन सा लोकेशन? हाँ हाँ ठीक है, आता हूँ, रुको। गीता पानी दो। फ्रेंड पानी पीजिए, रिलैक्स लगे, बस दो मिनट में। हाँ बचा लिया फ्रेंड। आपको शूट लोकेशन पर क्यों आना है? यहाँ मैं देख लेता हूँ ना। कल ही कंपटीशन का लास्ट डेट है, क्या करता मैं। नो प्रॉब्लम, आप इधर ही रहिए, आराम से रेस्ट कीजिए, शूट को मैं कंप्लीट करता हूँ। ए प्लीज हिलना नहीं यहाँ से, अगर हिला तो आपको मेरी कसम। okay. गीता ध्यान रखना। ओके सर। गीता टेक केयर। ओके सर। What a dedication. अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करके ही दिखाएगा ये। उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। वाओ सुपर, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट। कुछ भी हो जाए इसे कंपटीशन में भेजना है। ए किरण सुपर काम किया। मैंने तुम्हारा स्टाइल देखा, मैं एक औरत हूँ तब मुझे पता चला। तुझे मैं फर्स्ट टाइम देखते ही कैसे फिक्स हो गई। तुम ही मेरे मर्द हो और तुम ही मेरे पति हो। मैं ऐसी ही हूँ बॉस, मुझे पसंद आने जैसा बिहेव करना मुझे पसंद नहीं है, और तुम्हारे ही मुँह से बुलवाऊंगी। आई लव यू जानू, माय सेक्सी स्टार। कैसी लगी मेरी खूबसूरती? ये तुम्हारी है जानू। आई लव यू जानू।
क्या सोच रहे हो फ्रेंड? कुछ तो सोच रहा हूं जिसे सोचना नहीं चाहता। कुछ तो चीज है जो मुझे तकलीफ दे रही है, अफसोस हो रहा है। मुश्किलें हमें बहुत तकलीफ देती हैं और ढेर सारी खुशियां भी हमारा इंतजार कर रही हैं। उस खुशी को हमें मिस नहीं करना चाहिए फ्रेंड। जब आप इस तरह की हिम्मत देते हैं ना, मन खुश हो जाता है। लेकिन मैं आपको ऐसी हिम्मत नहीं दे पा रहा हूं। पता नहीं क्या करूं आपके लिए। ऐसे क्यों बोल रहा है? मेरी खुशी का कारण तुम्हारे अलावा क्या है? सिर्फ तुम्हें ही देखकर मैं जी रहा हूं। सुनिए जी। हाँ। मैं बाहर जाके आती हूँ। ठीक है जाके आओ। सुजाता, सुजाता। जी मालिक। है सुजाता, जरा इधर आओ। आती हूँ मालिक। जल्दी आओ। मालिक, मालिक क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे मालिक, छोड़िए, छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं आप मालिक? ऐसा मत कीजिए, छोड़िए मुझे, छोड़िए मालिक, मालिक नहीं, छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए, ये गलत है मालिक, मालिक छोड़िए मुझे, ऐसा मत कीजिए, छोड़िए। ये कैसी आवाज आ रही है? ऐसा मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो, मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या जितना भी पैसा चाहिए मैं दूंगा। चलो बगल में ही रूम है, एंजॉय करेंगे। कौन है रे? क्या हो रहा है यहाँ पे? जाओ बहन, डरो मत, मैं हूं ना यहाँ पे। जाइए घर पे, जाइए पूरा सलामत से जाइए आप। दर्द बहुत हो रहा है क्या? थोड़ा सब्र कर लो बहन।
आराम से उस पर सो जाओ, थोड़ा देर के लिए बर्दाश्त कर लो, एक दो मिनट में दर्द दूर हो जाएगा। दो मिनट सबर कर लो, बस दो मिनट, दो मिनट बस, बस थोड़ा, बस रे नागो भाई, ये साइड तो बहुत जोरदार है रे। भाई बगल में वो खड़ा है ना, वही है। अच्छा वही है क्या? पूजा भी साथ में है उसके? हाँ। निवास उन्हें देखो, जा उसको लेके आ, उसको कुछ भी करके दुबई एक्सपोर्ट कर देने का है। इसका नाम है सितप्पा, लड़कियों को जाल में फंसाकर धंधे में डाल देता है, विदेशों में भी कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर भेजता है। भगवान की कृपा से उनके हाथों से बचकर मैं मॉडलिंग करके हैप्पी जी रही हूँ मैं। भाई हा? वही है ये। हा? उन लोगों ने देख लिया टेम्पल में हम लोगों को मारा था ना, वही है ये, वो बहुत सेक्सी मारता है भाई। हाँ भाई, ए पागल है क्या, चल जा लेके उसको। जा रे, चलो यहाँ से भागते हैं, चलो। भागने के अलावा कोई और रास्ता है? रास्ता नहीं है, चलो 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 चलो, भागो। अबे उसको जल्दी पकड़ने का है, चल चल जीप से, चल जीप से, जीप से, चल चल, ए चल चल चल, जल्दी करो जल्दी करो, चल चल चल, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर।
चलो निवास यहाँ से भागते हैं। अभी इनकी चर्बी उतारने का वक्त आ गया है। हीरो कभी भागता नहीं है पूजा, अगर भाग गया तो ऑडियंस क्या समझेगी। सही बोला ना, क्या बोलते हो फ्रेंड्स? क्लिक 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 करके तुम लोगों की फोटो निकालने का मन कर रहा है मेरा। बहुत पुराना फोटोग्राफर हूँ मैं। एए, भाई जा जा के लड़की को लेके आ। नहीं भाई हा? अगर गलती से भी हम उसके साथ भिड़ गए तो वो कुत्ते की मौत मारता है भाई। हा? बहुत सेक्सी मारता है भाई। नहीं भाई हमसे नहीं होगा। एए, तू जा रहे। मारता है लेकिन लड़की को अच्छे से मरोड़ के अपने पास रखता है साला। हे भगवान, मेरी किस्मत अच्छी है कि ये मुझे मिला। सब लोग राउंड अप पे जाओ, राउंड अप पे जाओ। नहीं भाई नहीं, वो मामूली नहीं मारते, वो सेक्सी मारते भाई। चलो चलते भाई, चलो चल चलो भाई, देख लेगा तेरे को, चलिए यहाँ से देख लेगा तेरे को। कहाँ जा रहे हो? आना वे तेरे को तो मैं क्लाइमैक्स में देख लूंगा। क्लाइमैक्स तक क्यों रुकना है? आना बे, देख लूंगा तेरे को। हाय सेक्सी स्टार। हे पूजा, जब मेरा फ्रेंड घर पे नहीं है तब आई हो, वैसे सही टाइम पर आई हो। अरे तुम पास रहते हो तो मैं अपने आप को काबू में नहीं रख पाती हूँ। दूर होकर पास आने का दिल करता है और करीब होते हो तो जकड़कर चुम्मा देने। अरे अभी तो यही था, अचानक से कहाँ गायब हो गया। Da
हाय पूजा। अंकल अब आप कैसे हैं? क्या बात है, निवास को ढूंढ रही हो? हाँ अंकल। तुम निवास से मिलना ही हो पता है मुझे। हाँ अंकल, मैं मॉडलिंग करने के लिए इसलिए आती हूँ ताकि उससे मिलने का बहाना मिले। मैं जानता हूँ बेटी। आप जानते हो किस फोटो के पीछे क्या नजरिया है? एक अच्छा प्रोफेशनल फोटोग्राफर अच्छे से जानता है ये बात, सब समझ लेता है। वो मेरे प्यार को क्यों नहीं समझ पाता है? क्या निवास के पास दिल नाम की कोई चीज ही नहीं अंकल? मन में हो इस वजह से दूर रखकर देखता है तुम्हें वो। आप क्या बोल रहे हैं अंकल? जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी आप अकेले पड़ गए हो। वैसे ही आपके बेटे को अकेले छोड़कर सब चीजों से दूर रखा आपने। क्या आप सच में निवास के पापा हैं? नहीं बेटी। अंकल बीता हुआ कल तुम नहीं जानती। आप चलेंगे? अरे सुनो बेटा, तुम इधर ही रुको, मैं थोड़ा आती हूँ। वहाँ जाकर बैठो तुम। हाँ जल्दी आ जाओ मम्मा।
अनाथ बन गया था अपनी माँ की मौत के बाद, तनहा हो गया था, अकेला निवास इस लाइफ में कोई नहीं था। उसकी माँ एक धंधे वाली वैश्या थी, इसका धब्बा ना लगे इसलिए उसको फोटोग्राफी सिखाया मैंने। लेकिन जब भी उसे अपनी माँ की याद आती तो निवास तकलीफ में आ जाता था। अपनी तकलीफ को दुनिया से छुपाकर, किसी को ना बताकर वो हंसता रहता था, अपनी बाधा और तकलीफ को किसी के साथ शेयर नहीं करता था। अब बताओ पूजा, निवास के बारे में जानकर, उसकी माँ के बारे में जानकर, क्या अब भी तुम्हें उससे उतनी ही नफरत कर पाओगी? नहीं, निवास को मैं बहुत दिनों से प्यार करती हूँ, आगे भी करती रहूंगी और उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। अंकल, उसका बीता हुआ कल मुझे मालूम होने के बाद उसके लिए प्यार और बढ़ गया है। अरे जयलक्ष्मी, दूध देने वाली गाय जैसी फुलकर रहती हो, कहाँ जा रही हो? अरे तेरे खातिर नहीं, अपने पति के खातिर खाना लेकर जा रही हूँ। अरे क्यों सब तुम्हारे पति को खिलाओ, और किसी को भूख नहीं है क्या? अरे क्यों रे, ऐसा लग रहा है बहुत दिनों से भूखे मर रहा है। अरे हाँ, तुम नहीं जानती हो, भूखा की वजह से मैं नहीं तड़प रहा हूँ, इसको देखते ही दिल झूम जाता है। हा? अरे मैं दूध देने वाली गाय नहीं हूँ, तेरा डबल मीनिंग का शब्द मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम्हारे जैसे बेकाम के आदमी को अकल सिखाने के लिए एक सेक्सी स्टार आया है, बोलो छोटी माँ। अबे बेवकूफ, तेरे जैसे चमड़ी चोर की फिल्म निकाल कर बनाऊंगी और यूट्यूब पे डालूंगी, और उसे देखकर तब अकल आएगी, बेवकूफ कहीं का। अरे उसकी बात को क्यों घसीट रही हो, आगे से किसी को नहीं देखूंगा, किसी से बात भी नहीं करूंगा, समझे? सेक्सी 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 स्टार, सेक्सी 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 स्टार, सेक्सी ग्रैंड सेक्सी स्टार। अरे पेट्रोल भरा हुआ है ना तुमने? हाँ सर, पेट्रोल फुल टंकी है सर। मेरा नाम नहीं आना चाहिए? हाँ नहीं नहीं, हाँ रुको रुको रुको, रुको। आराम से, हमें कोरोना नहीं है सर। अरे तुम लोगों को कोरोना नहीं हो सकता, अरे पर मैं तो चाइना से आया हूँ ना। हाँ? अरे ये ग्रुप डांसर की तरह पीछे क्यों चले गए? देखा ना, चाइना का नाम लेते ही सारे के सारे लोग ग्रुप डांसर की तरह पीछे चले गए। आप चाइना से आए हो ना सर, टेस्ट कर लेना अच्छा ही है। अरे ये कोरोना कोविड सब मामूली इंसान को होता है, लेकिन हम जैसे पॉलिटिशियंस के पास नहीं आएगा, लेकिन तुम तो आ सकती हो। ये कभी सुधरने वाला नहीं क्या है? क्या फुसफुस आ रही हो? कुछ नहीं सर। अरे पॉलिटिक्स तुम जैसे लोगों का खेल नहीं है। पब्लिक हमारे बारे में क्या सोच रही है? सेक्सी, आपके बारे में बहुत खराब पब्लिसिटी कर रहे हैं सर। मतलब उनको सच पता चल गया है सर? पब्लिसिटी के बारे में आपको कुछ पता है क्या? अरे मुझसे ज्यादा तो मीडिया के लोगों को पता है, नहीं तो मिनिस्टर जब एयरपोर्ट पे आता है तो तुम लोगों के साथ कुछ कार्यकर्ता भी आते हैं। ए, चल कैमरा बंद कर चल। सर आपकी पब्लिसिटी के बारे में मीडिया के पास और लोगों के पास बहुत डिटेल्स है। अरे ये पब्लिक की भाषा नहीं लग रही है, तुम्हारी भाषा है। हा? ये क्या है, दिखाओ जरा। अरे ये तो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लग रहा है। फ्रेश है सर। ये बिगड़ जाएगा फिर भी फ्रेश बोलेंगे। ए, ये फूल माला किसकी, हटाओ यहाँ से। आपके लिए सर। जब तुम लेकर आए हो तो तुमने अभी तक मुझे पहनाया क्यों नहीं? अभी पहनाते हैं सर। लीजिए लीजिए। ऐसे सर, सर, शाबाश सर। अब लग रहा है ना गुड़िया यार। एक सेल्फी सर। वो क्या है ना कि मेरे फैमिली को आप बहुत पसंद है सर, आपके चैनल को भी हम लोगों ने सब्सक्राइब किया है, आपके सारे एपिसोड्स के हम लोग क्रेजी हैं, आपके नोटिफिकेशन आते ही हम लोग तुरंत उसे देखते हैं। एक सेल्फी सर प्लीज सर, प्लीज सर। ओके सर, एक सेल्फी प्लीज। अरे ये लीलावती को क्या हो गया, मुझे छोड़ के उसके पास चले गए। लीलावती इधर आओ ना, इधर आओ ना। अरे आती हूँ, 1 मिनट सर। आओ जल्दी आओ ना, इन सब के बीच में तुम टिकटॉक बुलेट ट्रेन की तरह लग रही हो। हाँ क्या बात है, बदन कुछ ज्यादा ही बड़ा कर लिया खा खा के। मेरे बारे में सोचना छोड़िए, आपका चेक बाउंस हुआ है। चेक बाउंस हो गया? अरे उसके लिए फिर से बैंक जाना पड़ेगा। ए बॉडीगार्ड, मुंह क्या देख रहे हो, इधर आ, इस बार कैश देता हूँ। सर, प्लीज, 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 प्ल
प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज प्लीज लीव मी अलोन आई गेट बैक टू यू किसके बारे में है? एक सेलिब्रिटी के बारे में है। वैसे वो कौन है वो सेलिब्रिटी? वो कैसा दिखता है? ऐसा जानने के लिए सभी लोग उत्सुक होंगे। उनका नाम है निवास, नहीं नहीं सेक्सी स्टार। नाम सुनते ही हैरान हो गए ना? सिर्फ आपको ही नहीं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में हर कोई हैरान हो रहे हैं। असल में ये निवास स्टार, सेक्सी स्टार कैसे बन गए हैं? इतना क्रेज कहाँ से आया? मैं नहीं बोल रही हूँ, प्रजा बोल रही है। चाहे तो लेट्स वॉच। हे मामू, इसके कितने फैंस हैं? सुपर, माइंड ब्लोइंग, एक्सीलेंट। क्या बात है यार, क्या जोरदार फॉलोइंग है। अरे रे रे रे, मानना पड़ेगा यार। क्या है, देख रहे हो तुम, लड़कियां भी इसको चूम रही है। अरे ये लोग तो अपनी कॉलोनी में ही रहते हैं। सच में सेक्सी स्टार की वजह से जिंदगी में खुशी मिलती है। बहुत ग्रेट आदमी है। अरे मामा, वो तो हीरोइन है, अपन उसकी हर मूवी देखता है, अपनी फेवरेट है वो। बोले तो अपुन बहुत बड़ा फैन है उसका। बहुत बढ़िया। हाँ सुपर है, सुपर मामा। देख लिया ना हर प्रजा की बातों से। और ये है इनके फॉलोअर्स। सेक्सी स्टार के बारे में अगले कार्यक्रम में फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए हमारी तरफ से नमस्ते। आगे देखते रहिए एनटीवी। Hey, Monica. आप मेरे फ्रेंड बने हैं, जान के बहुत खुशी होती है। हाय श्रुति, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन फ्रेंड। थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। डैडी क्यों, फ्रेंडली बुलाओ, वही अच्छा लगता है। मुझे फिर से खुशी देने के लिए ये अवार्ड मैं आपके नाम करता हूँ फ्रेंड। सर, पहली बार आपको मीडिया की तरफ से कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। फोटोग्राफी में आपको कभी इंटरनेशनल अवार्ड मिलेगा ऐसा कभी सोचा था? सपनों को साकार करना ही जिंदगी है। मैं जिंदगी से कभी उम्मीद नहीं रखता, चाहे कैसा भी वक्त हो। जिंदगी के साथ चलना जीवन में बहुत कुछ सिखा देता है, यही मैंने सीखा। सर आप बताइए, आपने जो अब तक नहीं किया आपके बेटे ने उसे बहुत कम समय में कर दिखाया है, आपको कैसा लग रहा है सर? इस लड़के की जीत देखकर मेरा सीना फूलकर 56 इंच का हो गया है। I'm proud of my son. हर एक मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सर आपके पीछे किसका हाथ है? मेरे बारे में ही बोलेगा, मेरे अलावा और कौन है उसके दिल में? ये सब मेरा पर्सनल मैटर है, मैं वक्त आने पर सबको बता दूंगा। लीव मी अलोन प्लीज। सर 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 सर, एक क्वेश्चन सर। आपके बेटे के पीछे कौन है आप जानते होंगे? आपकी जुबान से सुना तो थ्रिलिंग रहेगा। आपके बेटे के पीछे जो औरत है वो कौन है? देखिए, हर सेलिब्रिटी के पीछे एक अंधेरी भरी जिंदगी होती है, वो पर्सनल होती है, उसे पर्सनली रहने दीजिए। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू। निवास, ए निवास रुको। ए, तुम इधर क्या कर रही हो? मैंने जो सुना वो सच है ना? उसके लिए क्या हुआ? तुम सूर्य नारायण के बेटे नहीं हो, ये सच है ना? लेकिन हुआ क्या ये बताओ। तुम्हारा बीता हुआ कल मुझे सब पता है,
क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे बीते हुए कल को सुनने के बाद मुझे तुम्हारे ऊपर और प्यार आ गया। इतने बड़े आग जैसी बात को दिल में छुपाकर कैसे रह सकते हो तुम? बताओ मुझे निवास प्लीज। मेरे बारे में सोचना, मेरे बारे में पता लगाना ये बंद कर दो। एक इंसान से प्यार करना कोई गलत नहीं है ना? गलत नहीं है, लेकिन मुझसे प्यार करना वो गलत। क्यों गलत है? तुमसे प्यार करना गलत क्यों है? तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए सोच रही हूँ, ये गलत है? जिसके पास दिल होता है उससे प्यार करो। मेरे पास दिल नहीं है पूजा, मेरी जिंदगी में प्यार की कोई जगह नहीं। एक औरत को रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट वाली नजर से देखना, इसके अलावा मेरे दिल में कोई और फीलिंग नहीं है। मेरी माँ के साथ जो अन्याय हुआ है उससे मेरी जिंदगी में एक अंधेरा सा छा गया है। उस अंधेरे में रहना मुझे पसंद है, मुझसे प्यार मत करो। अरे पिघलने तक वो थोड़ा गुस्सा रहेगा, पर मुझसे कितने दिनों तक दूर रहेगा देखती हूँ। I'm
चलो बेटी अब केक काट भी लो। किसी का इंतजार कर रही हो क्या? यस डैडी। हाँ समझ गया मैं, निवास का इंतजार कर रही हो ना। अरे ये सब उसके खातिर ही है। जब तुम निवास के बारे में बोलती थी ना, मैं भी देखना चाहता था कि आखिर वो कैसा लड़का है। नो प्रॉब्लम, वेट करेंगे। वहाँ देखिए वो आ गए। आइए आइए। हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माय डियर। प्लीज कम। आप जरूर मेरे होने वाले ससुर है ना? हाँ दामादी, ऐसी सोच को हैट्स ऑफ है। निवास के बारे में अच्छे से जानते हैं ना, तो फिर मेरे बारे में भी जानते होंगे। हाँ? एक हिसाब से मैं भी आपकी बेटी की तरह हूँ और मनीषा के लिए सौतेली हूँ, मतलब निवास से शादी करने वाली बीवी हूँ। हाँ? वेलकम निवास, तुम्हारे बारे में मेरी बेटी ने सब बताया। तुम्हें देखकर मेरी बेटी के लायक हर क्वालिटी तुम्हारे अंदर दिखता है। तुम्हें अपना दामाद बनाने के लिए मैं खुश हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम। तुम पागल हो गई हो क्या? सच में रोड के ऊपर कौन फ्लेक्स लगाता है? शट अप, मेरी बेटी को मारते हो। ए निवास, तुमको पता है किसको मारा है? एक अमीर घर की लड़की को। मेरी बेटी ने तुम्हें पसंद किया, ये तुम्हारी किस्मत है। ए, हमारी किस्मत भगवान नहीं बनाते, वो इधर होनी चाहिए। उसे मेहनत करके कमाना पड़ता है, उसे कहते हैं किस्मत। लेकिन तुम्हारी बेटी एक तरफा प्यार में विश्वास रखती है। प्यार दोनों तरफ से किया जाता है, जबरदस्ती या किसी को प्रेशर देके नहीं। अगर मेरे बारे में दोबारा सोचा ना, या मुझे जबरदस्ती ट्रैप किया ना। बैठो। क्या बात है? क्या बात क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी जिंदगी में डिसीजन लेने का वक्त आ गया है फ्रेंड। अरे तुम्हारे ऊपर तो देवताओं का आशीर्वाद है, हमेशा बना रहेगा। मेरे लिए मेरे भगवान तुम हो फ्रेंड। तुम्हें ऐसे देखने से मुझे तुम नहीं दिखाई दे रहे। विजय हासिल करने वाला एक महापुरुष बैठा हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे। शिल्प को शिल्प बनाने जैसा, एक मिट्टी को आकार देने जैसा, सोसाइटी में मेरे नाम की एक आइडेंटिटी बनाना, वो तुम ही हो फ्रेंड। आज तक कुछ हासिल करने के निर्णय लेने की बात को लेकर मैं तकलीफ में था, उसे तुमने फुलफिल किया है, बस वही काफी है मेरे लिए। लेकिन वो मेरे लिए काफी नहीं है फ्रेंड। निवास? हाँ, अगर आपके ब्लेसिंग साथ रहे तो उस गोल को मैं हासिल करके रहूंगा। अरे अभी तक जो तुमने हासिल किया वो कोई मामूली गोल नहीं है। इंटरनेशनल फोटो कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्रोफेशनल विनर हो तुम, इससे भी बड़ा कोई गोल होता है क्या? है फ्रेंड। हाँ तो मुझे नहीं बताओगे? इतना बड़ा सीक्रेट है क्या? वो क्या है ये मैं नहीं पूछने वाला, लेकिन स्पेशली बहुत स्ट्रॉन्ग गोल लग रहा है मुझे वो। थैंक यू फ्रेंड, मुझे अच्छे से समझने के लिए। ऐसे ही मुझे कुछ दिन के लिए और छोड़ दो। आई विल प्रूव व्हाट आई एम डेफिनेटली। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, प्रोसीड। थैंक यू। नमस्ते अंकल। बैठो बेटा। अरे और कितना रिश्ता देखोगे तुम्हारी बेटी के लिए? आगे से इस खर्च को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस रिश्तों को पक्का करके इस दरिंदगी को बाहर भेजो। अभी यह मुझसे नहीं होगा।
अरे आप मिठाई लीजिए ना, सब अच्छा होगा। मैं स्वीट्स नहीं खाता हूँ ज्यादा, अगर आप बनाना चाहते हो तो कॉफी थोड़ी शक्कर डाल के बना देना। हाँ हर एक की जिंदगी में भगवान किसी न किसी रूप में आकर खुशियाँ देते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में तो किस्मत नाम की कोई भी चीज ना तो दिखाई देती है और ना ही है। अरे सच में यार, कोई भी औकात नहीं है, ऐसी लड़की को एक अच्छा पति मिल जाता है, सब खुशियाँ होने के बाद भी कभी कभी रिश्ता पक्का नहीं होता। बेटा प्रिया, मनीषा को लेके आओ बेटा। आती हूँ पिताजी। क्या भाई, मनीषा को देखा क्या? प्रिया आ रही हो ना बेटा? लड़की देख लो बेटा। लड़की तो सोना है जी, अगर इससे मेरी शादी हुई तो ये मेरी किस्मत है। ये कौन सा सोना है? मुझे लड़की सच में पसंद है, इससे मैं जरूर शादी करूंगा। अब मुहूर्त निकलवाइए और खबर भेज देना। एक हिसाब से ये दरिंदगी निकल रही है, इतना काफी है भगवान। चलता हूं मैं। Cheers! वो लड़की कितनी खूबसूरत है, लेकिन वो लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है कुछ। खरीदने के लिए हो या खाली मंगलसूत्र पहनाने के लिए? टाइम सही होना चाहिए मामा, टाइम सही होना चाहिए। मामू, मामू, इसकी फिगर ना, इसकी फिगर एकदम सुपर है मामा। इधर आवे। हाँ, क्या हुआ? क्या यार? जिस भी लड़की को मैं पसंद करता हूँ या नहीं करता, लेकिन किसी भी औरत को गलत शब्द नहीं बोलने का, समझ गया ना? अरे मस्त लड़की है, कुछ बोला तो खराब हो गया क्या? अभी आंखों को कुछ भी अच्छा दिखा तो बार बार देखते हैं, कुछ भी खाने को अच्छा मिला तो खाते हैं बार बार। अब उसमें इतनी टेंशन लेने की क्या बात है? सिंपल है। अरे अगर देखने वाली चीज है, अच्छी है, तो देखने में क्या बुराई है? देखो, मजे लो, और क्या। सही बात है, अमेरिका में रहने वाला तू एक चीज को कितनी बार देखता रहेगा? अरे सिटी की खूबसूरत लड़कियों को छोड़ के यार, तू गांव की लड़कियों के पीछे क्यों पड़ा है? अरे तेरे को पसंद है तो यूज कर, छोड़, जाने दे, है ना? सीधी बात है। वो लड़की कितनी खूबसूरत है, मामा। ए, इतना काय को पी रहा है? अरे ए, 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 क्या हुआ रे इसको, किधर जा रहा है ये? अरे जाने दे यार, अरे दारू पी के अपना भाई मूड में आ गया है। मजा करना, मजा करना। चल चल, बाय बाय।
अरे एक बार उसके साथ मिलने को दिल कर रहा है, चलो एक बार मिल के आता हूँ। अरे दामाद जी आइए आइए। क्या हुआ बेटा, दारू पीकर आए हो? अरे आजकल के लड़के लोगों की इस तरह की आदत है जी। देखो बेटा, पहले सिगरेट पिए थे, अब दारू पीकर तुम घर पर भी आ गए, मुझे तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं लग रहा। अभी बस कीजिए, होने वाले दामाद जी को डांट रहे हो? सुजाता रूम में ही है। अरे सुजाता आई छोटी माँ। कौन आया देखो। तुम जाओ बेटा। अरे हम यहाँ क्यों हैं? चलिए। वो क्या है ना कि मैं देखने को दिल किया तो आ गया। संभल के बैठे ना। वो क्या है ना कि मैं तुमसे आप लेटिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी नहीं चाहिए, तुम इधर ही बैठो। अरे डाकिया काका, मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है क्या? अरे कितना दिन ऐसे पूछते रहेगी, जब भी आएगी तो बताऊंगा ना। क्या बदनसीबी है मेरी भी। क्या बात है, अपने पति के लिए इंतजार कर रही हो? मेरे लिए कोई चिट्ठी? जब देखो हर रोज पूछती है, चिट्ठी आया क्या, चिट्ठी आया क्या, चिट्ठी आया क्या, चिट्ठी आया क्या। तेरे को कोई खत नहीं आया, मेरी बीवी को दूसरा बच्चा पैदा हो चुका है। देखकर लग रहा है सारा काम हो चुका है, शादी से पहले ही रासलीला मनाई है दरिंदी कहेंगी। क्या हुआ बेटा, तबीयत सही नहीं लग रही क्या? अरे तबीयत खराब नहीं, इसके पेट में दर्द है, तुम्हारी बेटी महीनों पार कर चुकी है। मुझे तो तभी से शक था, जो भी लड़की देखने आता है उसके मुंह लग जाती है, इसलिए तो जो कोई भी रिश्ते लेकर आए सब लोग पीछे हट गए, चरित्रहीन कहेंगी। वेंकट लक्ष्मी आप अपना मुंह बंद रखिए। अरे चली जाए यहाँ से दरिंदी कहेंगी, ज्यादा चर्बी चढ़ गई है ना, निकल इधर से, निकल निकल मेरे घर से। ची, तुम यही खड़े रहो दरिंदी के पास, दिमाग खराब करके रखा है, मेरा ही घर मिला था गंदगी फैलाने के लिए इसको। मुझे माफ कर देना बेटी, मुझे माफ कर देना। Thank you.
चाहे तुम मर जाओ, लेकिन तुम्हारे पेट में पलने वाले बच्चों को मारने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है? सृष्टि में मानव जाति एक पवित्र जाति है। ऊपर से औरत होकर पैदा होना पुण्य का काम है। सृष्टि का मूल कार्य औरत होती है। उस औरत को मिटा दिया तो सृष्टि कहाँ मिलेगी? हाँ, तुम अकेली जरूर पड़ गई हो। उसी लिए तो भगवान ने तुम्हें माँ बनने का आशीर्वाद दिया है। उस बच्चे को अपने लिए पैदा करो, ये सोचकर जिंदगी जियो। अपने लिए ना खातिर, लेकिन उस बच्चे के लिए जियो। उसे पैदा करके उसका पालन पोषण करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक इंसान होकर तुम अपनी जिंदगी लो, ये हक तुम्हें भगवान ने कभी नहीं दिया है। भगवान ये तय करेंगे कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए जियो। अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ बच्चे के लिए है। क्या बात है, तुम तो कॉल करना ही भूल गई। अरे उसके लिए मूड होना चाहिए ना। बोलो, मिले? जरूरी बात। ओह बॉबी, कब से मैं तुमसे एक सवाल पूछने की कोशिश कर रही हूँ। पूछूँ क्या? कुछ नहीं समझोगे ना? सच बोलूँ तो जॉली, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। कहीं तुम मुझे पसंद करती हो कि नहीं, प्यार करती हो कि नहीं, मैं सारा दिन बस यही सोचता रहता हूँ। ओह कितना वक्त हमने बर्बाद कर दिया बॉबी, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें? एक गोल्ड चैन और एक चूड़ीदार, that's all। एक घंटे के अंदर मिल जाएगा। अरे मेरा फ्रेंड गांव गया है और चाबी मुझे देकर गया है। लोकेशन शेयर करती हूँ, आ जाओगे ना? ठीक है, बाय। अरे क्या बाय, किस नहीं दोगे? बस इतनी सी बात। माँ? अरे दो दे दो, काफी है। माँ चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अरे हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए पैसा चाहिए। मामा से ले लो बेटा। ये पैसे हॉस्पिटल में भर देना। माँ मैं हॉस्पिटल में बेड बुक करके आता हूँ। मामा जी मैं एम्बुलेंस भी साथ लेकर आता हूँ, आप माँ का ख्याल रखिए। हाँ ठीक है, ये लो पानी पी लो, बेटा वापस आ जाएगा। उसके लिए गोल्ड चेन लेना है, एक रेशमी साड़ी लेनी है। मम्मी को तो बाद में हॉस्पिटल में भर्ती करा दूंगा, वैसे भी अभी ठीक ही लग रही है। आ जाओ। बैठो। ये लो तुम्हारे लिए गोल्ड चेन। वाओ गोल्ड चेन, यस, पसंद आया ना तुम्हें? लव यू, आई लव यू। हे अभी बहुत हुआ। कौन है यार? हेलो। अरे बॉबी, तुम्हारा मामा बोल रहा हूँ। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, तुम जल्दी आ जाओ। अरे कोई बात नहीं मामा जी, उनको रेस्ट लेने दो, वो हर रोज ऐसे ही कहती हैं। नहीं सच में, उसके सीने में दुख रहा है, तुम जल्दी आ जाओ, हॉस्पिटल ले चलते हैं। क्या है ये, हमेशा मामा, हम कभी ऐसा अकेले रहते हैं क्या? ये फोन क्यों काट दिया? उसने फोन ही काट दिया बहन। रहने दो भाई, पता नहीं काम में होगा। जब आना होगा तो आ जाएगा। अरे कोई मर्द इस तरह की अंगूठी पहनता है क्या? ये औरत लोगों पे अच्छा लगता है। सही है। ले लूं क्या? मेरे माँ ने प्यार से दिया है। मेरे पहनने से और तुम्हारे पहनने से क्या हो जाएगा? प्लीज दे दो ना। सही है, हाँ ये तुम ले लो, मुझे ये वैसे भी पसंद नहीं, ले लो तुम। थैंक यू डार्लिंग। भाई। हाँ बहन। एक बार फोन दो भाई। हाँ ये लो। हेलो हेलो बेटा, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। तुम बड़े होके काम करोगे, अपनी माँ का ध्यान रखोगे ना? बोलो बेटा, मेरे लिए ना एक लड्डू लेके आ जा। हेलो, काट दिया भाई। अरे उसने तो फोन ही नहीं उठाया था, तो
तुमने पता नहीं किससे बात की। और मैं चलू क्या? बहन, 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 हेलो। अरे बॉबी, तुम्हारी माँ नहीं रही। क्या माँ मर गई? बहन, देखा क्या फ्रेंड्स, सेक्स की माया के चक्कर में सेक्स को एक तीन अक्षर वाला प्यार का नाम देकर जीते जी अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, अपनी जिंदगी पर खुद मिट्टी गिराकर अपने आप को मार लिया। ये महापुरुष अपने ही मां को खो बैठा है। अपना जीवन जीने के लिए एक लायक वजह होनी चाहिए। अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। फिर से एक बार सेक्सी एपिसोड में हम दोबारा मिलेंगे। हमेशा ख्याल रखने वाला सेक्सी निवास। बाय निवास। तुम हो क्या? अरे मैं ही हूँ चुड़ैल कहीं की। सेलफोन में किससे बात कर रही थी? मेरे निवास के साथ। तुम्हारा निवास कब बना था? वो सिर्फ मेरा निवास है। लगता है सपने देख रही है मेरे सेक्सी लुक में गिर के। वो कभी का तुम्हारा बॉर्डर पार करके मेरे एरिया में पहुँच गया है। अरे शरीर को दिखा के प्यार को जो हासिल करता है उसे प्यार नहीं कहते, इन सबको हवस कहते हैं। और तुम उसी टाइप की हो। अरे मैं चाहे कौन सी भी टाइप की हूँ, निवास सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है। तुझे वार्निंग दे रही हूँ। रहने दो, कहीं जल्दी निवास मेरा ना हो जाए। इस बात से तुम पहले डर गई हो। डर? डर शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। खूबसूरती में भी मुझसे पुअर, स्टेटस में भी मुझसे पुअर। इस तरह मुकाबला करेगी? कल को तुम्हारा लव फेल हुआ तो मुझसे मत बोलना। इसलिए पहले से ही बोल रही हूँ, निवास को तू अपने दिल से निकाल दे। निवास बंद करो। निवास कैसा है ये मैं जानती हूँ। मेरे प्यार को इज्जत देता है वो। उसने अपना दिल मुझे दे दिया है। सपना तो बहुत अच्छा है। कल निवास के साथ मेरी शादी होने के बाद तुझे काम वाली की जगह अपने घर में जरूर रख लूंगी। पर अगर तेरा घमंड सर चढ़ा तो ये जॉब भी तू खो देगी। वो किसका आदमी बनता है टाइम आने पर पता चल जाएगा। हाँ, तुम्हारा बैड टाइम और मेरा गुड टाइम। चाहो तो अपनी आंखें बंद करके एक बार लोकेशन पे जाओ। वहाँ मेरे और निवास के अलावा तुझे और कोई दिखाई नहीं देगा। वैसे बच्चे, विश यू ऑल द बैड लक बेबी। अरे इतना कुछ समझाया मैंने, कहीं लोकेशन पर आ गई तो क्या होगा फिर? तो
इतना लेट क्यों? ट्रैफिक। ओके, गेट रेडी। पूजा, कम ऑन। पूजा, दिस इज नॉट कंपोज राइट देयर। निवास, मैं पोज दिखाती हूँ। ऐसा है क्या? वैसे इस साड़ी को मैं नॉर्थ न्यू स्टाइल में पहनकर आने के लिए बोला था ना, ऐसे क्यों पहनकर आई हो? जाओ नॉर्थ स्टाइल में पहन के आओ। पूजा, कम टू द पोजीशन। हेलो हेलो निवास,
मुझे नॉर्थ स्टाइल में साड़ी पहनना नहीं आता, तुम सिखाओगे क्या? बताओ। हाँ ओके, मैं आता हूँ। यस। पूजा, 2 मिनट, अभी आता हूँ। ठीक है। लगता है साले कुछ प्लान कर रही है, मुझे जाकर देखना होगा। चलो। What happened? मुझे नॉर्थ स्टाइल में साड़ी पहनना नहीं आता। नॉर्थ स्टाइल साड़ी पहनना इतना मुश्किल है क्या? ये देखो, इधर से घुमाओ और मनीषा छोड़ो मुझे, मनीषा छोड़ो मुझे, मनीषा छोड़ो। ये सब बहुत गलत कर रही हो तुम। सिर्फ बर्ताव ही नहीं, मेरा दिल भी ठीक नहीं है। इसे मैं कैसे तुम्हें समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए कैसे भी करके मुझे जो कुछ भी समझ में आता है मैं तुम्हें अपना प्यार दिखाना शुरू कर दूँगा। बंद करो। तुम अपनी हवस मिटाने के लिए ऐसा बोल रही हो। मैंने तुझे और तेरे प्यार को देखा तो मुझे ऐसा लगा तरस आ गया तेरे ऊपर। अगर दोबारा मेरे साथ ऐसा किया ना तो मार डालूंगा मैं तुझे। मालकिन, आपने 2 दिन से कुछ खाया नहीं, मैं जूस लेकर आओ क्या? क्या हुआ मालती? मालकिन ने 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया है मालिक। मैंने कुछ खाया क्या? 2 दिन से इसकी हालत को देखकर मैंने भी कुछ नहीं खाया। डैडी। हाँ बेटा, तुम्हें ऐसा देखकर मैं कैसे खुश हो पाऊंगा? किसी लड़के को कभी ना देखने वाली तुम निवास को इतना प्यार करने लगी, मैं खुद हैरान हूँ। किसी तरह से भी उसी से शादी तुम्हारी करूंगा बेटी, लेकिन इस मामले में कहीं हार जाऊंगा ऐसा लग रहा है बेबी। डैडी, अगर वो मुझे इस जन्म में नहीं मिला तो मैं कहीं जाकर अपनी। ऐसी बात मत करो बेटी, तुम्हारे बिना मैं रह सकता हूँ क्या? कुछ भी हो जाए उस निवास से मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। डोंट वरी बेटी, डोंट वरी बेटी। बाय मम्मी। बाय 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 बाय। कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं जी, मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ। हाँ तो बैठो ना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। धूप भी बहुत ज्यादा है और बच्चों को भी ज्यादा गर्मी लगेगी। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मम्मी गाड़ी अच्छी है, चलते हैं। हाँ हाँ आ जाओ मैडम। आओ। मम्मी हम भी कार खरीदेंगे। अरे आप जैसे गरीबों की चाहत चाहत ही बन जाती है। जिंदगी में हर खुशी सिर्फ अमीर लोगों को ही मिलती है, समझे बच्चे? सर हाँ। वही मेरा घर है। सुरेश है मेरा नाम, 7976-5768 इजी नंबर, कुछ भी जरूरत हो तो फोन कर देना, ठीक है? मम्मी अंकल को रोज आने बोलो ना। मुंह बंद कर अपना, चलो डैडी खाओ। क्या बात है आज स्कूल के पास नहीं आए? अरे हर बार तुम मुझसे ऐसा सवाल क्यों करती हो? मर्द हूँ, 1000 काम होते हैं मुझे बाहर के, समझी? जिम्मेदारी निभाने के लिए, मेहनत करने के नाम से पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। कुछ भी बोलती हो, जाकर पानी लेकर आओ।
सुरेश है मेरा नाम। 7976576 इजी नंबर। तुम्हें कुछ भी जरूरत हो मुझे फोन कर देना। अरे मुंह बंद कर, ये क्या बोल रहे हो? सच बोलूं तो तुम बहुत गंदे हो गए हो सच में। पता है हमेशा तू ही तू ही तू ही तू ही दिखता है, सब कुछ तुम ही करते हो। मत करो यार जानू प्लीज। ठीक है अभी मैं कुछ बहाना बनाकर निकलती हूँ। चुम्मा तुम खुद ही दे दो मुझे, शर्म आती है। मैं नहीं दूंगी। ठीक है रो मत। मुआ, 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 मुआ। देखा व्यूअर्स, सेक्स के लोभ में गिरकर उसने एक नाजायज संबंध रखे, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया, अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर ली। जो पति इससे प्यार करता था, जो बच्चा इसने पैदा किया, उससे दूर चली गई, जेल चली गई। सच्चा प्यार, सच्चे रिश्ते, अपनी ममता, सबको गाड़ कर उसने सब बर्बाद कर दिया अपने ही हाथों से। देखिए दोस्तों, अपनी खुशहाल जिंदगी को ऐसी चीजों से दूर रखिए। मेरे नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। आपका ख्याल रखने वाला सेक्सी निवास। चाहे कितना भी बड़ा दोस्त होने दो, दुष्यंत गरीब गरीब ही रहेगा। इस बात को याद रख ले सितप्पा। अरे जरूरत पूरी होने के बाद हम लोग अपना रंग बदल देते हैं। उसे देखकर राजकरण के नायक लोग भी राउडी बन गए हैं। मालूम है क्या, जरूरत आपकी, मौका हमारा। पहले बात क्या है ये बता। किसी ने कहावत कहा है वो सच होगी आज। मेरी बात ध्यान से सुनो, उस चेक को इधर दो। ये लो बेरर चेक, जितना चाहिए भर लो। ये उसका फोटो है, इसने मेरी बेटी को धोखा दिया है। इसने मेरी बेटी का कहना माना तो अच्छा है। अरे ये क्या, ये तो वही है जो अपने से उस दिन भिड़ा था। इसको मार देंगे तो आपको कोई एतराज है क्या? अगर बात नहीं माना तो मार दो। इसका फैमिली डिटेल्स है क्या? पता है, इसके पिता है सूर्य नारायण, जरूरत पड़ा तो उसे भी मार दो। चलो ठीक है।
स्वामी, आज के दिन आप किससे मिलना चाहोगे? मैं धन्य हो गई स्वामी जी। आओ बालक, मेरे सामने आओ। मेरे भक्त को मेरा तीर्थ पिलाओ। बाबा जी का नाम लेकर इसे पियो। धन्य हो स्वामी जी। इसे हमारे शयन कक्ष में लेके जाओ। तुम जा सकते हो। जी हाँ स्वामी जी। हाँ हाँ। देखा क्या व्यूअर्स, ऐसे छोटे बाबा के जाल में फंसकर कितने बेगुनाह लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इन चीजों से दूर रहिए। भलाई का लालच देकर ऐसे बाबा लोग आपको लालच देकर आपकी जिंदगी के साथ खेल खेलते हैं। संतान इस दुनिया में सिर्फ आपका पति आपको दे सकता है। ऐसे बाबाओं से, लालची बाबाओं से बचें। मिलता हूं अगले एपिसोड में आपसे। आपका अपना सेक्सी निवास, आपका निवास।
भाई ने हमें उठाकर लेकर आने के लिए बोला है, चलो। चल चुपचाप गाड़ी चला, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। देख क्या करी है? किडनैप करके लाया हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अंकल, ये लोग मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। औरतों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके अपनी जिंदगी जी रहे हैं। निवास ने इन लोगों को समझाया था। अबे तुम दोनों को इधर काय के लिए लाया हूँ पता है क्या? तुम्हारी बैंड बजाने के लिए, बैंड बजाने के लिए। तुम्हारी निवास को प्यार करने के लिए मनाने के लिए, अपने प्यार को स्वीकार करने के लिए। प्लान के पीछे पूरा रीजन है मनीषा, समझी क्या? उसका बाप कोटी और भाई लकली, मेरा और उसका एक ही दुश्मन है बहुत पहले से। अभी पूरा सीन समझ में आ गया ना? अगर ये बात निवास को पता चल गया ना तो हाँ, दे तो नंबर, दे तो नंबर, दे तो तुम्हारे सर पर खुद ही मिट्टी डाल लो। लगा नंबर। बोल 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 बोल। 9290212123। क्या रे सेक्सी स्टार, अगर तुमने अपनी मनीषा के प्यार को स्वीकार नहीं किया तो उसके बाप ने तेरे को कार्ड देने के लिए बोला है। आजा गांव के बाहर। अरे आएगा आएगा, जाएगा किधर? भाई वो आ गया है भाई। काट के गाड़ दो कुत्ते को। हाँ ठीक है भाई। ए, साले को छोड़ना मत, जा रे जल्दी। Thank you.
ए, दोनों को ध्यान से पकड़ के रखना और हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ना। आता हूँ मैं। काट डाल साले को। यार सेक्सी सुपरस्टार, मैं सुना था हाथ मरोड़ के मारता है तो सबका, मेरे को मार के दिखा। ए, क्या हुआ रे? ए, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ रे, इसको पानी पिलाओ। चलो चलो, ए, चल सीधा लेटा रे। ज्यादा प्यास लग रहा है क्या? हाँ, मुंह खोल के रखना। भाई वो हाथ मरोड़ के भी मारता है, मैंने पहले ही कहा आपको। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। पकड़ने से पहले तुम सबको सोचना चाहिए था ना, मेरे इस हाथ में कितना पावर है। प्यार को स्वीकार करो, इसलिए तुम्हें मनाने के लिए आई हूँ यहाँ पे। मनीषा, तुम्हें प्यार क्या होता है और कैसे होता है इसके बारे में कुछ नहीं पता। इस दुनिया में जबरदस्ती से प्यार किसी ने हासिल किया हो तो एक भी आदमी बताओ। तुम्हारा ये बर्ताव, तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल गलत है। अंकल, ये मेरे और निवास के प्यार के बीच में होने वाली जंग है, आप बीच में मत आइए। मेरे प्यार को हासिल करती करती तुम हार जाओगी, मर जाओगी, लेकिन कभी मुझे हासिल नहीं कर पाओगी, समझी क्या? अगर जिंदा होके नहीं मिला तो मर के हासिल करूंगी। इस जिंदगी में मैं जो भी चाहती हूँ उसे हासिल करना ही मेरी आदत है। लेकिन मेरे चाहने के बाद भी तुम मुझे नहीं मिले, मुझे नहीं पता था, लेकिन तुमने मुझे और मेरे प्यार को समझे बिना ही मेरी बेइज्जती की, मुझसे नफरत किया, अपमान किया, रिजेक्ट किया, एक भी बार नहीं सोचा। तुम चाहे कितनी भी लड़कियों से मिले हो, मुझ जैसी कभी नहीं मिलेगी, याद रखना ये बात। अब मैं तुझे और तेरे प्यार को लेकर हमेशा के लिए जा रही हूँ मैं।
सुन रहे हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मनीषा तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। अगर तुम नहीं मिले तो किसी और का भी नहीं होने दूंगी। निवास सूर्यनारायण जी आप चिंता मत करिए, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। आपके बेटे के ऊपर भगवान की कृपा है, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा है। ये तो एक चमत्कार ही है समझिए। हाँ धन्यवाद। उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे डॉक्टर कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। डोंट वरी बेटा, वी विल बी टेकिंग केयर रियली वेल बेटा। अभी अभी ताजा खबर के अनुसार लोगों के दिलों पर छाने वाले अपना सेक्स स्टार जान चली जाने की परिस्थिति में हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। आगे की खबर जारी है। सेक्स स्टार हॉस्पिटल में है, चल देखते हैं। हाँ चलो भाई, तू चलेगा क्या? सेक्स स्टार को प्यार करने वाली औरत ने खुद की जान लेकर अपनी हत्या कर ली। ए, ये तो सेक्स स्टार है, हॉस्पिटल में है, चल 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 चलते हैं, चल चल चल। चाहे आप कितना भी प्यार कर लो। अरे सेक्स स्टार तो हॉस्पिटल में है, चलो चलकर देखते हैं। अरे महेश्वर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रही, ऐसी खबर मिली है कि उनके सहराने वाले फैंस लोग ढेर लगाकर हॉस्पिटल के बाहर एकजुट हो चुके हैं। आप लोग जल्दबाजी मत कीजिए, अंदर ट्रीटमेंट हो रहा है, कोई उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। सब लोग शांत रहिए, ट्रीटमेंट होने के बाद में हम मिलते हैं, ठीक है? पीछे हटिए, पीछे जाइए। अभी अभी पुलिस ने मीडिया को बताया है कि इसी हॉस्पिटल में निवास जी का ट्रीटमेंट हो रहा है और इस वक्त वो अस्पताल में एडमिट है। हॉस्पिटल परिसर में इस वक्त मीडिया के साथ साथ निवास जी के बहुत सारे फैंस भी इकट्ठे हुए हैं और वो लोग सब उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। इन सबको कंट्रोल करो, आगे की अपडेट्स लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। कैमरामैन राम प्रभु के साथ मैं अनुषा। इनके लिए तो भगवान का आशीर्वाद ही बहुत है, बुलेट छाती की जगह से बगल में लगी है। अभी वो खतरे से बाहर है, चिंता करने की बात नहीं है, ही इज सेफ। आप चाहे तो आके उनसे मिल सकते हैं, आइए ना प्लीज कम। बेटा तुम्हारे साथ बुरा हुआ, लेकिन लोगों के प्यार और दुआओं की वजह से तुम बच गए। बस तुम ठीक हो जाओ और बाहर आकर के देखो कितने लोगों ने तुम्हारे लिए देवताओं से प्रार्थना किया है, इसी वजह से तुम बच गए। आओगे बाहर आकर के देखो कितने लोग खड़े हैं।
भाई आपकी इस हालत में देखकर हम टूट चुके हैं। आपकी सलाह ही लेकर हम दोनों ने प्यार करके शादी की। हाँ बेटा, समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ आप हमेशा खड़े हुए हैं, हमेशा खड़ा होते रहे हैं और हमें आशा है कि आप खड़े होते रहेंगे। हम ऐसी आशा करते हैं बेटा। हाँ भाई, कल मेरी बहन भी वापस आ जाएगी, हम अपने परिवार के साथ खुश रहेंगे। मेरी बेटी का प्यार झूठा है, ये जब समझ आया तो मैंने शादी कर दी उसकी। आपके एपिसोड देख के जो लड़की भाग गई तो वो वापस आ गई है। साहब मैं मुंबई से आया है, साहब आपका बड़ा फैन है साहब, आपके सारे एपिसोड्स देखता है भाई मैं। आप खुश रहो भाई। सेक्स के माया लोक में फंसकर जो लोग अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं उन लोगों को आप अच्छी राह दिखाते, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने जो सोचा था वो मैं सब कर पाया, सब भगवान की कृपा है। इस समाज में गलत रास्ते को चुनने वाले लोग, युद्ध को सही रास्ता दिखाना, उसके लिए ना महापुरुष आएंगे ना भगवान आएंगे। मेरे फ्रेंड ने मुझे बेटे जैसा सहारा देकर बहुत अच्छा इंसान बनाया, सदा मुझसे प्यार किया। अलविदा लेता हूं। निवास, सब लोगों ने जैसा तुझे प्यार किया वैसे मैंने भी किया, लेकिन मेरा जो प्यार है स्पेशल है। मुझे हमेशा तुम्हारी जिंदगी में ही रहना है। तुम मुझे समझ पाओगे या नहीं ये मैं नहीं जानती। एक छोटी सी मेरी मांग है, जिंदगी भर के लिए याद आने जैसा एक छोटा सा चुम्मा दे दो, बस काफी है। सेक्सी स्टारअप सेक्सी पर गिर गया।